हेलो, कैसे हैं आप? आज जो डॉट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि कोई डेट या टाइम, जो हमारे सिस्टम की करंट डेट है या टाइम है, उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फाइल है, कोई डायरेक्टरी है, उनको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्या कमांड होती है, वो सारे कमांड हमने आपको बताए। जैसे हमने सीडी बैकस्लैश दिया, एंटर किया, तो हम सी ड्राइव पे आ गए। सी एल एफ ये पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देता है, और एक हमारा डायरेक्टरी वहाँ पे था, सी डी जी एस टी सी। आपको याद होगा हम लोग जी एस टी सी पे काम करते थे। आप पर्टिकुलर अपने एक डायरेक्टरी पर अगर आप काम करते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता। जैसे कि आपके एक एक डायरेक्टरी कहीं पर भी आप बना देते हो, ऐसा नहीं। आप अपना एक डायरेक्टरी बना लो, उस डायरेक्टरी के अंदर आप काम करो। इससे क्या है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, वो कभी ख़राब नहीं होंगे या कभी डिलीट नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग भी अपने जीएसटीसी पे आ गए। सी एल एफ पिछले मैटर को एकदम क्लियर करते हैं, एकदम नए विंडोज पे हम आते हैं, मतलब एकदम पूरा स्क्रीन क्लियर है। अब हम यहाँ पर पहला कमांड देते हैं डेट। डेट जो हमारे सिस्टम का करेंट डेट है, सिस्टम का करेंट डेट मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं डेट। ऐसा नहीं कि आज डेट जो भी है तो वो हमारे कंप्यूटर का भी डेट हो। अगर हम कंप्यूटर का डेट चेंज कर देते हैं तो वो वही डेट होता है। तो मतलब जो आपके सिस्टम का करंट डेट है वो दिखाएगा, आज का डोट जो डेट है वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे सिस्टम का करंट डेट होता है उसको देखने के लिए हम लोग डेट कमांड का यूज करते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो डेट कमांड होता है वो आज के डेट को दिखाता है। ऐसा नहीं, लोग अपने सिस्टम में आज का डेट रखते ही हैं, लेकिन अगर सिस्टम में 4 दिन पहले का डेट अगर हो या कल का डेट हो, तो वो कल का ही डेट दिखाएगा। ऐसा नहीं कि डेट कमांड आज का डेट दिखाएगा, ठीक है? तो डेट लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो द करेंट डेट मतलब जो करेंट डेट है, ट्यूसडे 23/2/2017, जो दो है मतलब 02, ये आपका MM मतलब मंथ होता है, DD मतलब डेट होता है, YY मतलब ईयर होता है। इंटर द न्यू डेट, न्यू डेट का जो फॉर्मेट है, हम लोग यहाँ मंथ देंगे, डे देंगे और ईयर देंगे। अगर आपको नया डेट देना हो, डेट को चेंज करना हो, तो आप यहाँ पे नया डेट दे सकते हो। अगर आपको डेट को चेंज नहीं करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटर बटन प्रेस करो और आप अगली लाइन पे आ जाते हो, मतलब कि सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हो, कमांड एरिया पे आ जाते हो। तो आपका ये डेट देखने का एक आसान सा तरीका है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो जो डेट कमांड होता है, ये सिस्टम के करेंट डेट के अलावा हम डेट को चेंज भी करने का काम करते हैं। अगला कमांड है टाइम। टाइम जो कमांड होता है, डेट तो डेट को दिखाने का काम करता है, जो टाइम होता है ये सिस्टम के करंट टाइम को दिखाता है। और जो टाइम होता है ये 24 आवर फॉर्मेट में होता है। साथ में यहाँ पे 19 मतलब 7:23:58, ये यहाँ पे सेकंड में दिखाता है। साथ में अगर आपको नया टाइम देना हो, तो इंटर द न्यू टाइम, जो हमारे नए टाइम है उनको हम लोग दे सकते हैं। अगर आपको नया टाइम नहीं देना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर पिछली बार की तरह इंटर बटन आप प्रेस कीजिए और आप सीधे बाहर आ जाते हैं। तो डेट के लिए हम लोग डेट कमांड यूज करते हैं, टाइम के लिए हम लोग टाइम कमांड यूज करते हैं। सी एल एफ क्लियर स्क्रीन, जो हमने पिछली बार भी बताया था। अब अगला जो कमांड है वी ओ एल, ये वैल्यूम होता है। वैल्यूम मतलब होता है सीरियल नंबर। जो हमारी ड्राइव है, जैसे हम लोग सी ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी ड्राइव है उसका अपना एक लेबल होता है, और हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसका अपना एक सीरियल नंबर होता है। तो अगर हमें सीरियल नंबर जानना है, वैल्यूम नंबर जानना है, तो हम लोग वी ओ एल मतलब वैल्यूम, वैल्यूम कमांड यहाँ पर देते हैं। तो जो हमारा सीरियल नंबर होगा उसको बताने का काम करते हैं। अगला कमांड है VER, ये वर्जन होता है। वर्जन मतलब होता है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, तो हर साल या हर कुछ महीने पर उसमें कुछ चेंजिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि जो हमने एक बार सामान खरीद लिया तो वो वही हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो की जाती है। तो जो चेंजिंग करके मार्केट में नया लॉन्च किया जाता है, तो उनका वर्जन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, तो जैसे बाइक है, तो बाइक जो होती है वो नए नए वर्जन की होती है। जैसे कि अगर अपाची की बात करें, तो अपाची 150 है, अपाची 180 है, अपाची 200 है, अपाची 220 है। तो इस तरह जो हमारे पास बाइक है, तो उनके क्या है, मार्केट में नए नए फ्रीज आते हैं। उसी तरह हमारे जो डॉस थे, डॉस के भी नए नए फ्रीज आते हैं। तो डॉस तो पर्टिकुलर कोई अपना आज तो ऑपरेटिंग सिस्टम बचा नहीं, ये विंडोज पे हमें मिलता है।
तो जो विंडोज होता है तो विंडोज किस वर्जन पे डॉस को चला रहा है वो देखने के लिए हम लोग VEI कमांड का यूज करते हैं। हमने यहाँ एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन है 6.3.9600। जैसे हमने एंटर किया था ये आपको जो भी वर्जन था उस वर्जन को दिखाने का काम करता है। तो वैल्यू देखने के लिए वैल्यू, वर्जन देखने के लिए वर्जन। अगला आता है CLF, हमने दिया पहले तो स्क्रीन को क्लियर करते हैं। कलर COLOR, कलर की स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ COLOR कंप्यूटर की भाषा में होती है। अगर हम लोग COLOUR लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं, जो कंप्यूटर डिक्शनरी यूज करता है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज होता है, US लैंग्वेज में होता है। और हम लोग जो इंडिया लैंग्वेज यूज करते हैं तो इंडियन लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग COLOUR था, लेकिन जो ब्रिटिश लैंग्वेज US लैंग्वेज की डिक्शनरी है उसमें कलर की स्पेलिंग कहीं ना कहीं COLOR था। तो इसलिए हम लोग आज कलर की स्पेलिंग COLOR ही पढ़ते हैं, इनके अलावा और कोई नाम नहीं है। अगर हम लोग COLOUR लिख दिए तो वो कमांड ही नहीं लेगा और वो एरर आ जाएगा। अगर जैसे हमने यहाँ नंबर दिया तो ये एरर आएगी, मतलब कि ये कलर कमांड कोई भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कलर, एक नंबर होता है, इस नंबर को देने के बाद हम एंटर करते हैं तो जो हमारा डॉस का विंडोज था वो कलर को चेंज करता है। जैसे हमने कलर दिया 07 दिया तो वापस ये पिछले कलर में आ गया। तो ये कलर के नंबर क्या होते हैं, इनको हम कैसे जान सकते हैं, अब बात तो ये आती है। तो पहले तो हम बात करते हैं कलर कमांड देते कैसे हैं। कलर स्पेस, ये दो डिजिट का नंबर होता है, जो दो डिजिट का नंबर होता है ये नंबर वर्क कैसे करता है। जो 4 8, जो 4 होता है ये बैकग्राउंड के लिए होता है और 8 जो होता है ये हमारे फॉरग्राउंड के लिए होता है। अब बात आती है कि बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड क्या होते हैं। बैकग्राउंड मतलब जो हमारा ये पीछे का एरिया दिखाई देगा, जैसे ये ब्लैक कलर में दिखाई देता है, ये ब्लैक कलर हमारा बैकग्राउंड हुआ। और जो ये लिखा हुआ भाग है, जो टेक्स्ट है जो हमें दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर में, ये हमारे फॉरग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड मतलब जो पीछे का भाग होता है और जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखावट होती है, वो हमारे हमेशा फॉरग्राउंड होते हैं। तो जो 4 था वो बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है और जो 8 है वो हमारे फॉरग्राउंड कलर को चेंज करता है। तो अब आप ये पूछोगे कि ये कलर आते कहाँ से हैं, मतलब ये कलर हमें तो पता नहीं है, आपको पता है तो आप इस कलर का नंबर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कलर लिखो, फॉरवर्ड स्लैश करो, क्वेश्चन मार्क करो और इंटर कर दो। क्या लिखना है, कलर फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क इंटर, मतलब कि आप कलर से उनका कलर नंबर या कलर डिटेल के बारे में जानना चाहते हो। जैसे हमने एंटर किया तो ये आपको पूरा का पूरा कलर के बारे में बता दिया। जैसे 0 = black, 0 जो होता है ब्लैक के लिए होता है, 1 = blue, 1 जो होता है ब्लू के लिए होता है, 2 = green, 3 aqua, 4 red, 5 purple, 6 yellow, 7 white, ये हमारे 7 तक होते हैं। लेकिन इनके अलावा 8 भी होता है, 8 जो होता है ये ब्लैक का ग्रे हो जाता है, 9 जो होता है ये ब्लू का लाइट ब्लू हो जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है, फिर 10 अगर हम लोग लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी कलर चेंज हो जाएगी। 11 अगर लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं कोड, वो हेक्साडेसिमल होता है, जो 0 to F तक या 0 to 15 तक काम करता है। तो मतलब A = light green, B = light aqua, C = light red, D = light purple, FE जो भी आते हैं, तो F = bright white, मतलब हम यहाँ पे 0 to F तक कोड दे सकते हैं। तो आपको जो भी कलर लेना हो उस कलर का आप नाम नोट कर लो, नंबर नोट कर लो, फिर याद कर लो, तो ये आप आसानी से कलर दे सकते हो। जैसे कि हमें यूज करना है ग्रीन, तो ग्रीन हमें यूज करना है बैकग्राउंड के लिए, या एक्वा यूज करना है बैकग्राउंड के लिए तो हम 3 लेंगे, और रेड यूज करना है तो 4 लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने लिखा कलर 3 4, तो जो बैकग्राउंड होगा वो एक्वा होगा और जो हमारा फोरग्राउंड कलर था वो क्या हो गया, रेड कलर। वापस अगर हमें अपने कलर में चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर पहला 0 बैकग्राउंड के लिए और 7 हमारा क्या है, वाइट फॉरग्राउंड के लिए। हम एंटर करते हैं, ये कलर चेंज हो जाता है। ये कलर कमांड था जो किसी भी डॉस एडिटर के कलर को चेंज करने का काम। और पिछले मैटर को हटाने के लिए हम क्लियर स्क्रीन CLF देते हैं, ये स्क्रीन क्या होता है, हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही। आज आपको वीडियो में कलर चेंज करना, डेट टाइम, वैल्यूम, वर्जन, ये सारी चीज़ बताया गया।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।